हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो कि नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस बताएगा, ठीक है, कि फ्यूचर में जो नेटफ्लिक्स कंपनी है उसकी स्टॉक प्राइस क्या होगी। सो यहाँ पे कुछ फीचर्स है जैसे कि ओपन, हाई, लो, एडजस्ट, क्लोज, वॉल्यूम, कौन सा साल था, कौन सा मंथ या कौन सा डे। जब कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो उसको बताएगा दिस प्राइस, दैट नेटफ्लिक्स फ्यूचर स्टॉक प्राइस इज दिस $1418। ये मिलियन में भी हो सकता है, बिलियन में भी हो सकता है। ओके, वी विल सी दिस। सो इस पर मैंने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाया है डेटा सेट के बारे में, इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि जब कोई इस वेबसाइट पे आएगा और वो नेटफ्लिक्स के पास्ट में जो भी स्टॉक प्राइसेस थे, जैसे कि कौन से डेट पे कौन सा स्टॉक प्राइस था, ओपनिंग प्राइस कौन सा था उस दिन, हाईएस्ट प्राइस कौन सा था, लोएस्ट प्राइस कौन सा था एट द सेम डे, क्लोजिंग जब फाइनल उस डे पे हाई लो होने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस था वो कितना था, एडजस्ट क्लोजिंग प्राइस अक्सर आपने देखा होगा मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे था वो कितना था, वॉल्यूम जो शेयर्स होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का उसके बारे में। सो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का गोल ये है कि जब कोई इनपुट देगा नेटफ्लिक्स के बारे जो स्टॉक प्राइस है उसके बारे में, तो वो उसे बताएगा कि फ्यूचर में नेटफ्लिक्स का इतना वो होगा प्राइस स्टॉक में। ओके, सो दिस इज एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट जिसमें सबसे पहले हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाएंगे HTML और फ्लास्क का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस मशीन लर्निंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो, जहां पे आपको बहुत सारे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, सो इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना। अब सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने डेटा गेट करनी है, ठीक है। सो ये डेटा आप लोगों को मिल जाएगा गूगल पर, आप लोग सिंपली यहाँ पर टाइप करना नेटफ्लिक्स प्राइस स्टॉक प्राइस सॉरी मुझे यहाँ पर डेटा सेट लिखना होगा, डेटा सेट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिस आई थिंक ये डेटा सेट, यहाँ पे मैंने जो डेटा सेट यूज किया है मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वही डेटा है या कोई और है। सो या दिस डेटा, इस डेटा को आप सिंपली यहां से डाउनलोड करना, कैगल पे जाए जो भी टाइप किया मैंने, बिल्कुल आप लोग भी उसी तरह टाइप करके इस बटन पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट काम आप लोगों का ये है कि आप अपना कोई फोल्डर बनाएं जुपिटर नोटबुक्स में और इसमें सबसे पहले इस डेटा को यहाँ पे लाएं, दिस netflix.csv। आपको इस अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे जाए, ये डेटा सेट है इस पे क्लिक करके ओपन करें तो ये डेटा सेट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद आप पाइथन तरीका कोई यहाँ पे फाइल बनाएं ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा की तरह मैं हर प्रोजेक्ट में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग ज्यादा लाइब्रेरी इंपोर्ट ना करें, जस्ट दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करें, इंपोर्ट NumPy इज NP एंड इंपोर्ट Pandas, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो शुरुआत में हमें लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है वो ये दो लाइब्रेरी है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आप लोगों ने डेटा सेट यहाँ पे लानी है। सो किस तरह लाएगी आप लोग डेटा सेट, तो आप अपने डेटा सेट को कोई प्रॉपर नाम दे लाइक नेटफ्लिक्स, एंड उसके बाद आपने पेंडास का रीड CSV यहाँ पे मारनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक CSV फॉर्मेट डेटा है। अभी सिंगल डबल कोट के अंदर आप पास कर सकते हो इस डेटा सेट का नाम, लेट मी चेक इट, NF, ओके, NF netflix.csv एंड एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे हेड लगाओ इस नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, तो ये मुझे फर्स्ट 5 रो की यहाँ पे डेटा सेट दिखाएगा। ओके, लेट मी जूम इन। नाउ दिस डेटा सेट कंटेन और ऑल 7 फीचर्स, 7 कॉलम्स। ओके, तो हमेशा की तरह जब डेटा सेट आप यहाँ पे गेट करते हो तो आप लोगों ने सबसे पहले खुद से एक क्वेश्चन करनी है। द क्वेश्चन होगा आपका कि ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है या अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। तो मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में मैंने बताया है कि सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम वो होता है जहां पे आपका आउटपुट कॉलम
जहाँ पे जो डेटा सेट हो वो लेबल्ड हो, यानी इनपुट फीचर्स भी हो और आउटपुट लेबल भी हो। अगर आपके डेटा में इनपुट फीचर्स होते हैं बट लेबल्ड यानी जो आउटपुट वेरिएबल है वो नहीं है, तो वो एक अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट फीचर्स भी हैं एंड आउटपुट फीचर्स लेबल जिसे आप वेरिएबल भी कहते हो, लाइक इन दिस केस क्लोज, जिसको हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। सो ये एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। नाउ इफ इट इज अ सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम देन वी हैव टू केसेस लाइक रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो फिर आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है कि अगर ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है तो क्या ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन। तो अगर आपके डेटा सेट में जो आउटपुट वेरिएबल है, जो लेबल है, अगर वो कैटेगोरिकल है यानी कैटेगरीज में है, ठीक है, तो फिर वो आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। बट अगर आपका ये जो आउटपुट वेरिएबल है ये न्यूमेरिकल यानी कंटिन्यूअस या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो होगा बट अगर कंटिन्यूअस है तो आपका ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। नाउ इस डेटा में ये डेट वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओपन है, ओपन बताता है कि ये जो नेटफ्लिक्स का जो डेटा सेट है उसका दिस डे 2018 सेकेंड मंथ एंड फिफ्थ डे इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो था 262 पॉइंट दिस, ओके। और उस दिन जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था वो 267 था, ठीक है, हाईएस्ट रेट का प्राइस, एंड जो लोवेस्ट था वो था 250, और जो फाइनली क्लोज हुआ वो 254, एंड दिस विल बी आर आउटपुट वेरिएबल जो फ्यूचर प्राइस बताएगा, स्टॉक प्राइस बताएगा नेटफ्लिक्स का, ओके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये एक एडजस्ट क्लोज है, इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं, एंड दिस इज अ वॉल्यूम, ओके। नाउ अब अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है तो ये प्रोजेक्ट में इसका जो मैंने रिपोर्ट बनाया है या इस पे मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च मारा है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सोर्स कोड में जाना, हर चीज वहां पे डेटा सेट, नोटबुक, वेबसाइट का कोड सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो काम हम करेंगे इस डेट के साथ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम और इनपुट फीचर, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, या अगर मैं यहां पे लिखू नेट फ्लेक्स और इसके अंदर लिखो डेट, यू वुड सी दिस इज आर डेट, ओके। नाउ ये जो डेट है इसको मैंने पेंडोस के डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसी ही कॉलम पे क्या लगाऊंगा, इससे पहले आऊंगा यहाँ पे लिखता हूं पेंडोस, उसके अंदर एक फंक्शन है टू डेट टाइम और ये सारा इसी के अंदर पास करूंगा। अब मैं इसको दोबारा इसी ही कॉलम में स्टोर करता हूं, ठीक है, क्योंकि इससे मैंने आगे कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है। सो ये मैंने दोबारा इसके अंदर स्टोर किया। अब हमेशा जब भी किसी डेटा सेट में आपको डेट का कॉलम दिया जाता है तो उसको हमेशा पहले पेंडोस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, क्योंकि पहले ये ऑब्जेक्ट टाइप होता है। अब इस डेट में होता क्या है, लेट मी शो यू। नेटफ्लिक्स का जो डेट वाला कॉलम है इस डेट में सबसे पहले है ईयर यानी साल, सेकंड मंथ, थर्ड डे। हम ये सेपरेटली तीनों चीजों यहां पे निकालेंगे एंड डिफरेंट कॉलम्स में स्टोर करेंगे। सबसे पहले कॉलम में यहां पे बना रहा हूं ईयर, ठीक है, और इसको मैं जो मेरा डेट नेटफ्लिक्स के अंदर डेट वाला कॉलम है इसके अंदर घुसूंगा और इस पे एक बिल्ट इन फंक्शन लगाऊंगा जो कि नाम है डी टीम यानी डेट टाइम, और इससे मैं निकालूंगा ईयर, ठीक है, और ये ईयर पेंडास का बिल्ट इन है। उसके बाद ये सेम काम मैं जो मंथ है उसके लिए भी करूंगा, ये मैंने अपने लिए कॉलम बनाया अपने आसानी के लिए, नेटफ्लिक्स के डेट वाले कॉलम में घुसा, उस पर डेट टाइम लगाया और इस बार में मंथ निकालूंगा। द सेम थिंग आई विल डू विद डे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स के इस कॉलम में जाऊंगा लाइक दिस डेट वन एंड आई विल ग्रैब डे दिस टाइम, लेट मी रन इट। अब रन करने के बाद अगर मैं दोबारा ये नेटफ्लिक्स डेटा सेट दिखाऊं इसकी फर्स्ट 3 रोज, ओके, यू वुड सी के इसके एंड में 3 नए कॉलम्स आ गए, एंड दिस 3 नए कॉलम्स कुछ भी नहीं है, वो हमने खुद निकाले यहां से।
अब ये कॉलम किसी काम का नहीं रहा तो इसको हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे। तो आप जब किसी कॉलम को ड्रॉप करते हैं उसके लिए आप सबसे पहले डेटा सेट का नाम, उस पर ड्रॉप का फंक्शन और किस कॉलम को ड्रॉप करना है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, और ये किस एक्सेस में है, मतलब आप रो वाइज इसको ड्रॉप करना चाहते हो या कॉलम वाइज। तो मैं कॉलम वाइज ड्रॉप करना चाहता हूं, इसलिए आपको ये एक्सेस देना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे एरर्स आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे डेट नहीं है, लेकिन एक पत्ते की बात बताऊं, अगर मैं इस डेटा सेट को दोबारा रन करूं तो कुछ नया होगा इसमें, ले डेट वापस आ गया। तो मैं चाहता हूं कि ये डेट हमेशा के लिए यहां से दफा हो जाए, तो उसके लिए आपको ड्रॉप करते वक्त लगाना है इन प्लेस विल बी ट्रू, जिसका मतलब है कि एक एक्शन आप हमेशा के लिए परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, अब आपका जो डेट है वो हमेशा के लिए चला गया। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला गया क्योंकि हमने इन प्लेस को ट्रू रखा। अब जितनी बार आप रन करोगे आपका डेट यहां पे नहीं होगा। ओके, नाउ ये तो एक हमने एक जरूरी स्टेप किया डेट के साथ, लेकिन आप जब भी किसी डेटा सेट के साथ डील आउट करते हो तो वहां पे हमेशा आप 6 क्वेश्चन पूछते हो। नंबर 1, डेटा सेट का शेप, तो आप डेटा सेट का शेप लगाओ। सो ओवरऑल ये बता रहा है कि इस डेटा सेट में 1009 रोज है एंड 9 कॉलम्स है। अब मैं यहाँ पे कुछ सेल्स एड करता हूं, और दूसरा क्वेश्चन आपने ये पूछना है कि क्या इसके अंदर कोई नल वैल्यू है, तो उसके लिए आप इस नल पे सम लगाते हो हमेशा किसी भी मशीन लर्निंग। लेट मी सम, या सो यू वुड सी कि ये हर कॉलम के आगे जीरो लगा रहा है, इसका मतलब है कि इस इंटायर डेटा में कोई नल वैल्यू नहीं है, अगर होता तो हम उसको फील करते हैं। उसके बाद आप चेक करते हो कोई डुप्लीकेट वैल्यू, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो सबसे पहले डेटा का नाम, उसके बाद डुप्लीकेट एंड उस पर आप लगाते हो सम। ये आपको बताएगा कि आपके डेटा सेट में या अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो आपको डुप्लीकेट वैल्यू बताएगा, अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे जीरो है सो इट्स मीन देयर इज नो डुप्लीकेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमेशा खुद से पूछना कि कुछ इंफॉर्मेशन ले लो, तो उसके लिए आपको बिल्ट इन फंक्शन इन्फो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जो स्टेप मैं बता रहा हूं ये जस्ट बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, ताकि बार बार जब भी हम मैं एक चीज को बार बार हर प्रोजेक्ट में रिपीट करता हूं ताकि जो बिगनर्स हो वो चीजों को समझ सकें। ओके, सो ये फंक्शन आपको बताएगा कि आपके डेटा सेट में कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, और हर फीचर्स का यानी हर कॉलम का यहाँ पे ये बताता है डेटा टाइप। ठीक है, सो ये जो हमने नए वॉल्यूम का तो पहले से इंटीजर था, लेकिन जो हमने नए कॉलम बनाए उसका भी इंटीजर यहाँ पे आ गया, दैट्स ग्रेट। नाउ एक आखिरी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछना कि आप एक जनरल स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स व्यू लेना अपनी डेटा सेट का, सो उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स में जाना है, उस पर आपने पेंडास का डिस्क्राइब मेथड अप्लाई करनी है, सो जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली बात ये है कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो वो उसका स्टैटिस्टिक यानी मैथमेटिक्स डिस्क्राइब मेथड नहीं प्रोवाइड करता है, बट अगर कोई न्यूमेरिकल है देन यू विल सी राइट हियर। ओके, सो काउंट बताता है कि हर कॉलम हर फीचर्स में जो टोटल वैल्यू कितने हैं, एज यू कैन सी हियर वी हैव 1009 ओके इन ईच फीचर। मीन बताता है कि ये जो कॉलम है ओपन इसके अंदर एवरेज क्या है, टोटल वैल्यूज की एवरेज क्या है। नाउ दिस 1009 की एवरेज वैल्यू है 1419, दिस इज मीन, और ये आप कुछ यहां पे भी देख सकते हो, अगर ओपन के सारे वैल्यूज देखो तो उनका एवरेज होगा आपके पास दिस वन, एंड द सेम थिंग यू कैन सी फॉर अदर कॉलम्स एज वेल। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि ओपन कॉलम के अंदर जो 1009 वैल्यूज हैं उनमें स्कैटरनेस गैप कितना है, एंड यहां पे आप अगर देखो तो दिस 262 एंड 247 में कितना गैप है, लगभग 15 का गैप है। ओके, नाउ इन दिस 247 एंड 266 में कितना गैप है, अगेन कुछ 15 का है। So, ये दो स्पेसिफिक वैल्यूज में स्कैटरनेस नहीं बताता, ये इस इंटायर कॉलम का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो 108. दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओपन कॉलम, इसी तरह यू कैन सी फॉर ऑल द अदर कॉलम्स।
उसके बाद फाइव नंबर्स स्टेटिस्टिक में पढ़ा होगा आप, फाइव नंबर्स कि हर कॉलम का जो सबसे छोटा वैल्यू मिनिमम वैल्यू है वो कौन सा है, सो यू कैन सी दिस वैल्यूज फॉर ईच फीचर्स, और उनका मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ठीक है। अगर एक कॉलम के अंदर है लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 तो मिनिमम वैल्यू 1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ओके। नाउ दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 25% यहाँ पे ये फर्स्ट परसेंटाइल है, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, अगर आपने स्टेटिस्टिक में ये पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा। व्हाट हैपेंड, ओके लेट मी रन इट अगेन, कुछ तो हुआ, ओके। सो हियर दिस 25 परसेंटाइल का मतलब ये है कि आपके इस Netflix डेटा सेट में जो ओपन फीचर है या कॉलम है इसमें 377 ऐसे वैल्यू है, 377 ऐसे वैल्यू है जो 50% से कम है, ठीक है, और 509 ऐसे वैल्यू है जो 75% से कम है, ओके। सॉरी दिस इज 25, दिस इज 25, जो 361 है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया कि मतलब अगर आपने देखना है कि एक कॉलम के अंदर इतने वैल्यूज से कम, मतलब अगर इतने वैल्यूज कम है उनकी परसेंटेज कितनी है, तो इट विल टेल यू दिस थ्री नंबर्स ऑफ स्टैटिस्टिक, ओके ग्रेट। नाउ ये तो थे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो। अब इस डेटा में कुछ EDA परफॉर्म करते हैं। EDA मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, के मतलब अगर आपने डेटा के अंदर घुसना है, उसके इनसाइट लेनी है, डेटा को अच्छे तरीके से समझना है, देन यू हैव टू विजुअलाइज इट। अब इसके लिए आप हमेशा दो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो, एक है सीबॉन जिसको आप SNS इंपोर्ट करते हो, दूसरा है मैटप्लॉटलिब, ठीक है, और उससे आप पाई प्लॉट लेते हो, इसको मैं रन करता हूँ पाइपलाइन, या अब मैं एक दो सेल ऐड करता हूं यहाँ पे। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन ये है कि अगर आप कोरिलेशन देख दो हो कि एक फीचर का दूसरे फीचर, एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ क्या कौन सा कोरिलेशन है, मतलब एक चीज बढ़ने से दूसरा चीज बढ़ता है या नहीं, या एक चीज घटने से दूसरा चीज घटता है या नहीं। लेट मी शो यू। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूं और Netflix डेटा पे बिल्ट इन कोर, इसका मतलब है दिस इज कोरिलेशन, ओके, बिल्ट इन फंक्शन है ये इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊ तो हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन, ओपन का ओपन के साथ कोरिलेशन है पॉजिटिव। अगर आपको ये मैं विजुअलाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेट मी विजुअलाइज इट। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा sns.heatmap और इसके अंदर मैं कोरिलेशन पास करूंगा, nnet में ट्रू रखूंगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। cmap में यहाँ पे बिल्ट इन कूल वार्म रखता हूं, और जो बगल में एक बार होता है कलर बार, जिसे आप कलर बार कहते हो, उसको भी मैं ट्रू रखता हूं, और मैं इसको रन करता हूं। रन करने के बाद इसको मैं हल्का सा जूम आउट करता हूं, ओके। नाउ दिस इज कलर बार, ये जो हमने इस हीट मैप के अंदर सी बार ट्रू रखा, इसका मतलब है कि ये दिखाई देगा, ये जो कलर है दिस इज कॉल्ड कूल वार्म। और भी इसके अंदर है लाइक प्लाज्मा, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट कूल वार्म इज बेस्ट फॉर मी, दिस इज कॉल्ड सी मैप। और ये एनोटेशन ट्रू जो है, ये जो डब्बे है इसके अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब है एनोटेशन ट्रू, एनोटेशन ट्रू। अगर मैं इसको रिमूव करके रन करूं, लेट मी रिमूव दिस कॉमा, तो यू वुड सी कि यहाँ पे आपके हीट मैप तो बन गई, बट इसके अंदर जो वैल्यूज है वो दिखाई नहीं दे रही। सो उसके लिए हम एनोट को रखते हैं ट्रू, ओके। नाउ लेट्स फोकस ऑन कोरिलेशन। तो अगर देखा जाए तो ओपन का, अब यहां पे एक चीज नोट करूं, ये कलर बार आपको कोरिलेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर ओपन बढ़ता है तो हाई वाला कॉलम के वैल्यूज भी बढ़ेंगी, मतलब अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव कोरिलेशन ये है कि अगर एक चीज घटता है तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 1.0 ये जो डार्क रेड कलर है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये जो
ब्लू कलर है, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को। सो ओपन का ओपन के साथ तो होगा वन, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि खुद का खुद के साथ हर फीचर या हर कॉलम का खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। बट अगर हाई का ओपन के साथ देखो तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह क्लोज का अगर ओपन के साथ देखो पॉजिटिव है। एडजस्ट क्लोज का अगर देखो, मतलब अगर एडजस्ट क्लोज बढ़ता है तो ओपन जो स्टार्टअप प्राइस स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह आप यहां पे देख सकते हो, और इसी तरह अगर आप देखो ओपन जो स्टार्टअप स्टॉक प्राइस था, यहां पे अगर आप क्लोज के साथ देखो जो डे के इख्तिताम पे यानी एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल प्राइस था जो क्लोज हुआ उसके साथ भी पॉजिटिव कोरिलेशन था। मतलब अगर आपने स्टार्ट में ज्यादा प्राइस लगाया है तो क्लोज में फाइनल डे में आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ेगी, ओके। इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, अगर वॉल्यूम का देखो ये नेगेटिव कोरिलेशन, दिस ब्लूज आर ऑल नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। अब नेक्स्ट में आप लोगों को एक और चीज दिखाऊंगा, यही चीज मैं एक और तरीके से दिखाऊंगा, स्कैटरनेस, ठीक है, कि एक चीज बढ़ने से दूसरा चीज बढ़ता है, एक चीज घटने से दूसरा चीज घटता है। तो उसके लिए मैं एक एसएनएस के अंदर जाऊंगा और एक लाइब्रेरी है, फर्स्ट लेट मी ज़ूम इन अ बिट, सॉरी एक प्लॉट है स्कैटर, ठीक है, और ये आपसे एक्स एक्सिस पे एक कॉलम लेता है एंड वाई एक्सिस पे एक कॉलम लेता है। तो लेट से मैं चाहता हूं कि ओपन अगर बढ़ता है तो क्या क्लोज भी बढ़ता है या नहीं, कि इन दोनों में स्कैटरनेस कितना है, ओके, रिलेशन क्या है, लिनियर है नॉन लिनियर है, यही चीजें मैं चेक करना चाहता हूं। तो स्कैटर प्लॉट और यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अंदर जो ओपन वाला कॉलम है और वाई एक्सिस पे जो नेटफ्लिक्स के अंदर क्लोज, आई थिंक लेट मी रन इट, ये देखो ये बता रहा है कि ये बिल्कुल लिनियर कोरिलेशन है और बहुत हद तक लिनियर कोरिलेशन है। मतलब ये ओपन 300 है, कभी 400 है, कभी 500 है, तो मतलब ये बढ़ता है। इसका मतलब है कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो जो वाई एक्सिस पे फाइनल डे का स्टॉक प्राइस है जिसे आप क्लोज कहते हो वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी बढ़ रहा है। मतलब इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब मैं चाहता हूं कि ये हर चीज में ऑल कॉलम्स के लिए देखूं, तो मैं सेपरेटली नहीं कर सकता क्योंकि मेरा टाइम जाया होगा, तो मैं एक ही प्लॉट में ये करके दिखाऊंगा और उसे आप कहते हैं एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, और पेयर प्लॉट के अंदर जस्ट आप अपना डेटा सेट पेश करो बस, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये है हमारा पेयर प्लॉट, ठीक है। अब मैं इसको जूम इन तो नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, जैसे कि आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप ओपन को देखो, ओपन को यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मेरा कोई कॉलम तो होगा हाई, ठीक है, जो डे का सबसे ज्यादा स्टॉक प्राइस था उसके साथ भी इसका रिलेशन। सो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप एक साथ तमाम के तमाम कॉलम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन देखना चाहते हो तो यू कैन यूज पेयर प्लॉट। अभी आप लोग खुद स्टडी करना, वैसे मैंने अपने आपको बता दिया कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर जो मॉडल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे आप गेशियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है तो वहां पे बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब जितने भी आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स ट्रेन करते हो तो उसके लिए डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन दे विल वर्क डेफिनेटली परफेक्टली। सो मैं यही चेक करूंगा, तो लेट मी शो यू एसएनएस जो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है उसके अंदर एक फंक्शन आपको, सॉरी नॉट फंक्शन, प्लॉट, डिस्ट प्लॉट आपको मिलेगा, और ये भी आपसे एक्स एंड वाई मांग रहा है। तो लेट से मैं इस बार नेटफ्लिक्स का सॉरी यहाँ पे आप एक्स वाई भी दे सकते हो और एक सिंगल कॉलम भी दे सकते हो। लेट से मैं चेक करना चाहता हूं यहाँ पे क्लोज का, कि क्लोज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यही मेरा आउटपुट वेरिएबल है। सो इफ आई चेक, सो ये बाई मॉड है, ठीक है, ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, बट ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन एक बाई मॉड है। अब यही चीज मैं चाहता हूं कि मैं हर कॉलम को देखूं, क्योंकि अगर मैं सिंगल ये करूंगा तो इससे मेरा काफी टाइम जाया होगा,
और ये भी मैं आप लोगों को कमाल की चीज सिखा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिखाया, तो इस पर भी फोकस दो। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन, लेट मी ज़ूम इन अ बिट, ऑप्स बहुत ज्यादा ज़ूम इन किया, मेरे डेटा सेट का नाम नेटफ्लिक्स, और इसे मैं निकालूंगा कॉलम्स। जैसे ही मैं कॉलम निकालूंगा तो मैं PLT जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर एक फंक्शन होता है फिगर, क्योंकि मैं सबसे पहले प्लॉट को यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। मैं रखना चाहता हूँ 10x6 inches, ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन इट, ओके, डोंट वरी। उसके बाद SNS.diz प्लॉट लगाऊंगा, और इसके अंदर चूंकि मैं एक कॉलम तो देख नहीं रहा हूँ, आई एम चेकिंग ऑल द कॉलम्स, ऑल द फीचर्स, सो व्हाट आई कैन डू, I can use here के Netflix के अंदर I को pass करो, यानी हर ये वन बाई वन कॉलम को उठाएगा और उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रिंट करके देगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उस कॉलम का नाम भी आए, तो टाइटल विल बी इक्वल टू ith NPLT.show, बस इतना सा काम आप लोगों ने यहाँ पे करना है। ओके, सो ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने आपके कॉलम्स हैं, ये लूप अगर आपके पास 9 फीचर्स है या 9 कॉलम्स है तो ये 9 टाइम्स चलेगा। नाउ लेट मी शो यू, ओके, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक, वैल्यू आफ्टर मस्ट बी एन इटरेबल नॉट इंट, हाँ ये एरर तो पहले नहीं दिया था इसने, कुछ गड़बड़ की होगी हमने, लेट मी चेक। तो गड़बड़ हमने ये की है कि फिगर के अंदर हमने साइज मेंशन करनी है, फिगर की साइज, तो उसको आप पास करते हो फिग साइज और पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे यही यही चीज मेंशन करते हो कि ये देखो, अब मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूं। सो दिस इज एज यू कैन सी ओपन द फर्स्ट कॉलम, और ये हमने चेक किया था बाय मॉड था, ठीक है, बाय मॉड। अब अगर मैं हाई वाले कॉलम पे जाओ तो ये भी बाय मॉड है, इसी तरह लो वाले कॉलम पे जाओ तो ये भी बाय मॉड है, क्लोज वाले पे जाओ ये भी बाय मॉड है, ये भी जो एडजस्ट क्लोज वाला भी बाय मॉड है, वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ये आपका स्क्यूनेस है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा सम टाइम क्या होता है कि डेटा या तो राइट स्क्यू होता है या लेफ्ट स्क्यू, तो अगर आपका ये जो बेल कर्व है इससे जो राइट साइड पे डेटा जा रहा है, अगर ये थोड़ा राइट साइड पे जाता है तो इसे कहते हैं राइट स्क्यू, अगर लेफ्ट साइड पे जाता है कुछ इस साइड, लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यू, और ये अच्छी बात नहीं है हमारे मॉडल के लिए। और इसी तरह ईयर को देखो तो ये तो 4 मॉड वाला किस्सा है, सो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है बट मॉड है यहाँ पे। मंथ का देखो तो खास मजा नहीं है, हाँ डे कुछ हद तक ठीक है। ओके, सो ये करने के बाद मुझे आइडिया लगा कि मुझे डेटा को नॉर्मलाइज करना होगा, तो इसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, स्केलन, सॉरी बिल्ट इन क्लास का, बट उससे पहले मैंने अपने डेटा को ट्रेंड टेस्टनेट के लिए यहाँ पे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे इनपुट फीचर्स हैं वो कौन से हैं मेरे इनपुट फीचर्स, सो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, उससे मैं सबसे पहले तो आउटपुट वाला कॉलम ड्रॉप करूंगा और वो है क्लोज, जो फाइनल स्टॉक प्राइस है on axis 1, इसको मैं ड्रॉप करूंगा और बाकी जितने भी कॉलम है वो x में चले जाएंगे और यही हमारे इनपुट फीचर्स होंगे, और y को मैं देता हूं Netflix का this close और यही हमारा आउटपुट फीचर्स है। अगर मैं इसको रन करो और रन करने के बाद 1-2 सेल ऐड करो एंड यहाँ पे ये टाइम क्यों ले रहा है, why it's taking time, क्योंकि एरर है, एरर क्यों है, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, ये देखो जब भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ये भी एरर्स देते हैं। अब अगर मैं एक्स की शेप दिखाऊं देन यू वुड सी, अरे अगेन मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, ओके दैट्स ग्रेट, तो यू वुड सी कि जितने भी रोज थे वो आ गई, बट टोटल वी हैव 9 फीचर्स, लेकिन इसमें जस्ट 8 आ गए क्योंकि 8 ही हमारे इनपुट फीचर्स थे, हमने एक ड्रॉप किया क्लोज वाला। बट इफ आई शो यू द शेप ऑफ वाई देन यू वुड सी के जो फाइनल यानी आउटपुट लेबल था वो इसमें आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 80% डेटा ट्रेनिंग सेट के लिए रखूंगा एंड 20% डेटा टेस्ट के लिए। मतलब मैं क्या करूंगा, 80% डेटा से अपना जो भी रिग्रेशन प्रॉब्लम एल्गोरिदम है उसको ट्रेन करूंगा एंड 20% डेटा से उसको टेस्ट करूंगा कि उसकी प्रेडिक्शन ठीक भी है या नहीं, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट वेबसाइट। ओके, और नॉर्मलाइजेशन भी से पहले हमने करना है, बट पहले मुझे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन क्लास से आपको इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट प्लेटर। अब यहाँ पे मैन्युअली भी आप लिख सकते हो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, और ये मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूं कि आप हमेशा एक काम करना, ट्रेन टेस्ट प्लेट यहाँ पे लिखना जो आपने इसको इंपोर्ट किया है, उसके बाद शिफ्ट एंड टैब प्रेस करना। शिफ्ट प्रेस करोगे तो जो नोटबुक्स वाले हैं वो बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने आपको कुछ कोड दिया है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आप इस कोड को यहाँ से उठाओ और आपका काम हो जाएगा। सो अगर ऐसी बात है तो करते हैं, क्योंकि मैं ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है, ये चौथा वेरिएबल है, और हमने यहाँ पे लगाया है ट्रेन टेस्ट प्लेट, और इसके अंदर हमने एक्स एंड वाई पास किया है, और दिस एक्स एंड वाई आर नथिंग बट दिस इनपुट वेरिएबल्स जो आर थे एंड आउटपुट वेरिएबल जो सिंगल वेरिएबल था। ओके, और टेस्ट साइज में कितना रखूंगा, टेस्ट साइज में रखूंगा यहाँ पे 0। सो हमने नाम दिया था मॉडल डॉट पीकेएल। अब चूंकि मैं इसको रीड कर रहा हूं तो मैं इस बार रीड बाइनरी मोड दूंगा ना कि राइट बाइनरी मोड। ओके, सो मैं हल्का सा इसको जूम इन करता हूं। या अब हम फ्लास्क ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है ऐप विल बी इक्वल टू, जो कैपिटल एफ वाला फ्लास्क हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर आपको अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर देनी है ना। वी आर गोइंग टू क्रिएट पाथ, सो ऐप डॉट रूट, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का ही काम करेगा, और इसके अंदर जस्ट हम रिटर्न करते हैं रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने यहाँ पे बनाया है टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, एच टी एम एल। ओके, अब एक और फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पाथ देते हैं एप डॉट रूट। अब इसके अंदर मैं देता हूँ प्रेडिक्ट, जो कि हम एच टी एम एल फंक्शन सॉरी फॉर्म जब बनाएंगे तो यही पाथ होगा, और मेथड हम रखते हैं। अब यहाँ पे इनको मेथड्स रखना, फ्लास्क में आपको इस मेथड लगानी होगी पोस्ट, ठीक है। अब इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसको भी मैं प्रेडिक्ट नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे पाइथन का मेन बनाते हैं, तो उसको मैं if under underscore name under underscore will be equal to under underscore main, okay, और इसके अंदर ऐप को हम रन करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बनाया, और ऐप डॉट रन लगाते हैं एंड डिबग को ट्रू रखते हैं। ये हम इसलिए ट्रू रखते हैं कि जब हम इस वेबसाइट यानी इस फ्लास्क ऐप को रन करते हैं तो रिलोड करने पे ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाए, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद हम जाते हैं html इंडेक्स डॉट html में। अब इसमें मैं ज्यादातर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं जाता हूं अपने क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे बूटस्ट्रैप को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मुझे स्टार्टर टेम्पलेट चाहिए, जो बेसिक html इंडेक्स है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा, और साथ में मजे की बात यह है कि ये जो CSS एंड जावास्क्रिप्ट वो भी प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत HTML का कोड करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक कंटेनर के नाम से डीव लूंगा, जिसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर। अब ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, और इसके अंदर मैं एक H1 लेता हूँ, जिसको मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ दिस शुड बी सेंटर। इसके अंदर लिखता हो कि ये एक नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम है, ठीक है, इसी को कॉपी करके टाइटल में भी देते हैं, ठीक है, लोग सर्च भी करते हैं, क्या पता हमारा वेबसाइट चल जाए। ओके, अब इस कंटेनर
एक काम आप ये भी कर सकते हो कि आप कस्टम सॉरी इन लाइन सी एस एस एड कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बॉडी का बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे रख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट दिखा दो तो यूड सी कि हमारा ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। सो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रखता हो वाइट। अब अगर मैं इसको रीलोड ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा क्योंकि हमने डिबग ट्रोड रखा था। सो नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, अभी आप एक फॉर्म लेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो मैं इसी कंटेनर के अंदर याद रखना मैं इसी कंटेनर के अंदर हो एक फॉर्म लूंगा और फॉर्म का एक्शन रखते हैं जो हमने वहां पे पा दिया था प्रेडिक्ट। मेथड हम रखते हैं पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर मैं एक अगेन बूटस्ट्रैप का क्लास लूंगा रो। इसको मैं समझाऊंगा कि मैंने रो क्यों लिया यहाँ पे, और इसके अंदर एक और डीव लेता हूं और इसको मैं फॉर्म। अब आई होप कि आप लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में आइडिया है। सो फॉर्म ग्रुप में इसको कहता हूं, ठीक है। और इसके अंदर एक लेबल लूंगा और इस लेबल में मैं एक चीज में एक और काम करता हूँ, मेरे जो इनपुट वेरिएबल है जो मैंने उधर बनाए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि उन्हीं वेरिएबल को हम यूज करने वाले हैं। सो आई थिंक क्लोज के अलावा बाकी मेरे इनपुट वेरिएबल लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एंड पे जाता हूँ ओपन हाई लो एडजस्ट कर या दिस आर माय इनपुट कंट्रोल सी और मैं इनको यहाँ पे अपने आसानी के लिए पेस्ट करता हूँ ताकि मैं इनको यूज कर सकूँ। ओके मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो पहला लेबल हम यूजर को क्या दिखाएंगे, जाहिर सी बातें ओपन। ओपन यानी जो स्टार्टअप था नेटफ्लिक्स का। सो इसके बाद मैं एक इनपुट लेंगे जहाँ पे यूजर से मैं इसको टाइप में नंबर रखते हैं, इसको हम बूटस्ट्रैप के क्लास देते हैं जो कि होगा फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप हो गया फॉर्म कंट्रोल। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते आईडी रखते हैं ओपन और नेम भी हम ओपन रखते हैं क्योंकि बैकएंड यानी फ्लास्क में इसको हमने गेट भी करना है, वहां पे हमने इसको एक्सेस भी करना है। अब स्टेप में रखूंगा स्टेप चूंकि ये आपका इंटीजर फ्लोट में आ सकता है इसमें स्टेप 0.01 ही रखता हूं और वैल्यू में यहाँ पे 0 रखता हूं। अब देखना अगर मैं जाऊं तो ये आ गया आपका, ठीक है। दिस सी मैं इनको मैंने स्टेप 0.01 रखा था और ये लेबल है ये आपका इनपुट फील्ड है। अब इसी तरह हम और भी चाहे कितने चाहे हमें चाहिए हाई के लिए लो के लिए एडजस्ट क्लोज वॉल्यूम सब कुछ के लिए। सो मैं क्या करूंगा जस्ट इस वन को कॉपी करूंगा, ठीक है, और इसी के अंदर इसको पेस्ट करूंगा। अब मुझे चाहिए हाई के लिए तो मैं जस्ट हाई को ओपन के साथ रिप्लेस कर दूंगा सिंपल। और मुझे कुछ खास आईडी को भी मैं रिप्लेस करूंगा नेम को भी मैं रिप्लेस करूंगा। सो अगर मैं दिखाऊं ये आ गया आपका सेकंड वन एंड मैंने रो यूज किया है फिर भी ये रो में नहीं आ रहा आई डोंट नो व्हाई। सो एनीवेज यही ठीक है इसी को हम यूज करेंगे। ओके तो अब मैं इसको एक बार और कॉपी करके पेस्ट करता हूँ फॉर लो। तो मैं लो को उठाऊंगा और यहाँ पे यूजर से मैं पहले कहूंगा कि आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे लो लो मैं जस्ट हाई को रिप्लेस कर रहा हूँ लो के साथ, ठीक है। एंड दिस हाई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एंड इट वाज नेम, ठीक है, दिस शुड बी नेम। ओके नाउ नेक्स्ट मैं एक और कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड वी। उसके बाद हमारे पास से एडजस्ट क्लोज ये भी यूजर इनपुट करेगा जो कि नेटफ्लिक्स का ही एक फीचर है स्टॉक प्राइस का, और यहाँ पे आपको इसके अंदर अंडरस्कोर डालना होगा, ठीक है। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए मुझे इसको रिप्लेस करना होगा कंट्रोल वी। तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो इन बेस ये बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो। मैं एक बार और इसको करता हूँ
उसके बाद है वॉल्यूम एंड ईयर, सो मैं दिस वन में डालता हूँ वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को कॉपी करके बाकी जगहों पे भी रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट था हमारे पास क्या था, ईयर, हाँ सो ईयर भी हम रिप्लेस करते हैं ईयर एंड ईयर, और ईयर रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, हमें और भी चाहिए आई थिंक, लेट मी चेक हमारे पास और क्या है, मंथ एंड डे, सो वन टू, दिस शुड बी मंथ, लेट मी कॉपी, लेट मी रिप्लेस रिप्लेस एंड रिप्लेस, उसके बाद फाइनली वी हैव डे। तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, जो यूजर इनपुट देगा उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया HTML में बूटस्ट्रैप का सहारा लेते हुए। अब इन्हीं कॉलम्स को मैं यहाँ से कट मारूंगा, और कट मारने के बाद पहले मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट को। अच्छा, इस डिव से, ये जो रो वाला डिव था, इससे बाहर आके बिल्कुल फॉर्म से ऊपर एक बटन भी ऐड करें। तो बटन, और बटन में टाइप रखता हूँ सबमिट, हाँ इसमें भी एक बूटस्ट्रैप का क्लास डालते हैं btn प्राइमरी एंड btn lg, ये देता है कि अगर आप बड़ा बटन चाहते हो, और बटन के ऊपर जो दिखाना चाहता हूँ वो है प्रेडिक्शन, और मैं इसमें कस्टम css ऐड करूंगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ तो बटन आपका बिल्कुल इधर ही होगा, एज यू कैन सी बटन यहाँ पे है चिपका हुआ, मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ, तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा इन लाइन, नॉट कस्टम css, दिस शुड बी इन लाइन css, सो मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ 35%, ओके, एंड मार्जिन टॉप करता हूँ थोड़ा सा 20 pixel, एक्चुअली मैंने जस्ट यहाँ से खिसकाया, ऊपर से खिसकाया, और ये देखो अब हमारा बटन बहुत ही आला है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, zoom out करता हूँ, दिस इज आर, ओके, सो वी हैव ओपन हाई लो एडजस्ट वॉल्यूम ईयर मंथ डे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही थे आई थिंक, क्योंकि एक क्लोज आउटपुट वेरिएबल था, या सो जब कोई इसमें स्टॉक्स नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस के जो ओपनिंग मतलब स्टार्टअप था, और उसका हाईएस्ट था और लोवेस्ट प्राइस था, एन एडजस्टेड प्राइस था, स्टॉक प्राइस की बात हो रही है, वॉल्यूम उसका किस साल में कौन सा मंथ था कौन सी डे थी, बटन पे प्रेडिक्ट करेगा तो वो उसे मैसेज देगा कि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन स्टॉक प्राइस इतनी होगी। सो हमने इस फॉर्म के वैल्यूज को बैकएंड में गेट करने होगी, तो उसके लिए हम जाते हैं बैकएंड में, जो हमने एक फंक्शन बनाया था दिस वन, मैंने जो यहाँ से कॉपी मारा था उसको यहाँ पे पेस्ट मार रहा हूँ, अपने काम को एक्चुअली मैं आसान करने वाला, और मैंने कुछ यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। अब देखते जा मैं करता हूँ क्या, एक्चुअली यही मेरे, और ये चीज मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। सो या अब मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर ऐड कर रहा हूँ, सो ऑल्ट दबाते हुए जहां जहां पे मुझे मल्टी कर्सर चाहिए वहां वहां पे मैं राइट क्लिक मारता रहूंगा, उसके बाद इक्वल। अब अगर याद हो तो वीडियो जब हमने फ्लास्क इंपोर्ट किया था तो वहां पे हमने रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट किया था, फ्लास्क वाला रिक्वेस्ट, ये एक्चुअली हम फॉर्म को रिक्वेस्ट मारने के लिए यूज करते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर आपने वो नाम देने हैं जो हमने वहां पे हर इनपुट फील्ड के अंदर दिया था, तो ओपन के अंदर हमने आई थिंक यही सेम दिया था, सो मैं इसी को कॉपी करके, इसलिए मैंने एक ही जगह पे यूज करा था कि बार बार मुझे देखना ना पड़े, सो मैंने सेम नेम यूज किए हैं, और यहाँ पे दिस शुड बी एडजस्ट क्लोज मैंने वो दिया था, वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो आप भी सेम रखना, एंड वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम, ईयर विल बी, अब हमारा कोड बिल्कुल सेम होगा जो हमने नोटबुक में जो प्रेडिक्शन सिस्टम बनाया था, बिल्कुल उसी तरह होगा, ठीक है। जस्ट हमने यूजर के इनपुट फॉर्म से गेट किए, अब इनको मैं एक नंपाई एरे में कन्वर्ट करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फीचर्स के नाम से, एनपी डॉट एरे मार के मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। सो सबसे पहले आपका होगा ओपन, उसके बाद होगा आपका हाई, उसके बाद होगा आपका लो, उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे एडजस्ट एडजस्ट क्लोज, एंड देन वी आर गोइंग टू पुट हियर वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट वी हैव ईयर, एंड देन वी हैव मंथ, एंड देन वी हैव फाइनली डे। अब इसको मैं, चूंकि ये यूजर हमने जो मॉडल ट्रेन किया है वो एक
उन वैल्यूज को हमने स्टैंडर्डाइज किया था, नॉर्मलाइज किया था, तो हमने यूजर के इनपुट को भी नॉर्मलाइज करना होगा। तो उसके लिए मैं तो सबसे पहले फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, अब इस लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना, ठीक है, वरना आपका मॉडल इसी में ही ट्रेन है। सो इम्पोर्ट फ्रॉम एसक्यूएल अंडर प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट व्हाट दिस शुड बी फ्रॉम, ये एरर इसलिए आ रहा था, हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया था। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्केलर विल बी इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड स्केलर। तो अब इसको मैं नीचे जाके अपने फंक्शन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे फीचर को मैं दोबारा बनाऊंगा और स्केलर करूंगा, यूजर के इनपुट को फिट ट्रांसफॉर्म स्केल करूंगा, नॉट स्केलर, जो कि फीचर्स ही है। सो एक्चुअली जो हमने इनपुट लिया था नंपाई एरे में कन्वर्ट किया, इस वेरिएबल में स्टोर किया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया जो पिछली बार हमने किया था, और अब इसमें अब हम प्रेडिक्शन मारेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्शन के नाम से, ओके प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू दिस थिंग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जस्ट हमने जो मॉडल इंपोर्ट किया है उसके अंदर होता है आपका प्रेडिक्ट किसके ऊपर, फीचर्स के ऊपर जो यूजर के इनपुट है, और इसको हमने रिशेप भी करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक सिंगल रो चाहिए और उसका लास्ट वाला इंस्टेंस आउटपुट वाला हम, ओके। अब मैं ये भेजूंगा अपने HTML फॉर्म में, तो मैं रिटर्न मारूंगा, रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले इंडेक्स डॉट HTML लिखूंगा, और यहाँ पे अपनी तरफ से एक वेरिएबल पैरामीटर सॉरी आर्गुमेंट बना रहा हूँ और इसको पास कर रहा हूँ प्रेडिक्शन का 0। सो एक्चुअली अब सारा का सारा आउटपुट इसी के पास है, अब इसी चीज को मैं अपने इंडेक्स डॉट HTML में एक्सेस करूंगा। तो फॉर्म के बाहर इस डिव के अंदर या इस डिव से बाहर, चलो डिव के अंदर करते हैं, मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ और इस पैराग्राफ में स्टाइल इनलाइन CSS सेट कर रहा हूं, और इसमें मैं बॉर्डर बॉर्डर हम किस तरह ऐड करते थे, 23 पिक्सल और सॉलिड 3 पिक्सल सॉलिड एंड कलर में रखता हूँ रेड, और दिस शुड बी वाइट। अब इसके अंदर मैं जो फ्लास का सिंटैक्स है वो यूज करूंगा और इसके अंदर आउटपुट लिखूंगा। अब ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है, ये आउटपुट आपका आ रहा है, सॉरी नॉट दिस वन, ये आउटपुट आपका आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यहां से, दिस आउटपुट, ओके, दिस आउटपुट से आपका ये आउटपुट बिल्कुल यहाँ पे आ रहा, ओके, बढ़िया हो गया हमारा काम। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं अगर कोई गड़बड़ हमने की हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मैंने रन किया, अब ये यहां पे आपको यूआरएल मिल जाएगा, आप जस्ट इस पे क्लिक करना, ये यूआरएल पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद आई होप कि कोई एरर ना हो, या कोई एरर नहीं है। अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे डाल रहा हूँ, रेंडमली मैं डाल रहा हूँ, स्टार्टअप ये था, हाईस्ट 250 डालते हैं, लोवेस्ट हम लेट से 240.0 डालते हैं, एडजस्ट भी मैं कुछ डाल रहा हूँ, वॉल्यूम भी लेट से दिस, लेट से ईयर 2022, मंथ 10th, उप्स गड़बड़ मैंने की, और यहाँ पे मुझे डे भी डालनी होगी, 103। अब जैसे देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यू वुड सी के नीचे आउटपुट आएगा, दिस आउटपुट, आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 418, ओके, सो दिस इज योर आउटपुट। अब आप इस पर और भी ट्राई कर सकते हो। ये था आज का मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जिसमें हमने कंप्लीट नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन देखा। अब लेट्स से मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 300 में कुछ ये ऐड करते हैं, दिस शुड बी 350 जो हाईएस्ट वैल्यू हम ज्यादा डालते हैं, और इसको हम 310 करते हैं, 254 एंड वॉल्यूम को मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ इस बार 200, लेट से दिस ईयर को हम रखते हैं लेट से 15,
ओके सो लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन एंड ये भी सेम आ रहा है तो या आप और भी ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, आपको डिफरेंट भी रिजल्ट ये देगा जरूर, ठीक है, ये डिफरेंट रिजल्ट भी आपको देगा। सो या दिस इज द प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि अगर आपको किसी तरह रिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसको किस तरह डील आउट करते हो। सो आप मेरे चैनल के मशीन लर्निंग जो प्लेलिस्ट है उसको लाजमी एक्सेस करना, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट में कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट वीडियो। पॉइंट टू मतलब 20%, मैं चाहता हूं को जो ट्रेंड सेट है वाई एक्सट्रेंड एंड वाई ट्रेंड इसको चला जाए 80% डेटा एंड 20% डेटा एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट को चला जाए, क्योंकि मैं 80% डेटा से ट्रेंड करूंगा अपने एल्गोरिदम को एंड 20% डेटा से उसको टेस्ट करूंगा। और रैंडम स्टेट आप कोई भी रख सकते हो, इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट मेरा आएगा अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो आपका भी वही सेम आउटपुट होगा, बस इसका और कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसको चेक करूं तो आप चेक कर सकते हो, अगर मैं एक्स ट्रेंड और शेप करके दू ये देखो, ठीक है, टोटल 1009 थी लेकिन ये एक ट्रेनिंग सेट है, इसमें 807 आ गया। ओके लेट मी शो यू एक्स टेस्ट, आपका अगर एक्स टेस्ट चेक करो तो 202, क्योंकि ये 80% डेटा है, ये 20% डेटा है एंड द सेम थिंग यू कैन चेक फॉर वाई ट्रेंड एंड वाई टेस्ट। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि अब हम जो भी एल्गोरिदम ट्रेन करेंगे उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज करें, तो नॉर्मलाइजेशन के कई टेक्निक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे मैंने डिटेल के साथ हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली फ्रॉम एसक्यूएल लर्न से इंपोर्ट करूंगा प्री प्रोसेसिंग क्लास से, जस्ट इंपोर्ट करूंगा जिसको आप कहते हो स्टैंडर्ड स्केलर, और ये क्या करता है ये वैल्यूज को एक रेंज में लाता है, ठीक है, इससे क्या होगा आपका डेटा कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड देन आप सबसे पहले इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, मैं नाम देता हूं स्टैंडर्ड स्केलर, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और उसके बाद मैं इसको रन करता हूं, रन करने के बाद मैं यहाँ पे आके एक सेल ऐड करता हूँ, ओके सो मैं एक और भी ऐड करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ट्रेनिंग सेट है उसको नॉर्मलाइज करूंगा, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट उसको मैं क्या करूंगा नॉर्मलाइज करूंगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इसके जो ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर का उस पे लगाए फिट ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर पास करें एक्स ट्रेन, क्योंकि हमारा इनपुट फीचर्स इसी के अंदर है जो 80% डेटा है, और ये मैं दोबारा देता हूं एक्स ट्रेन को, ठीक है। अब अगर मैं रन करने से पहले यहाँ पे एक्स ट्रेन आपको दिखाओ, दिस इज आर एक्स ट्रेन एंड यू वुड सी कि इसमें जो इनपुट फीचर्स थे लाइक ओपन हाई लो एडजस्ट क्लोज वॉल्यूम ईयर मंडे, यानी क्लोज के अलावा बाकी सारे यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखो तो रेंज में नहीं है और इसमें बहुत सारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो मैं इसको एक रेंज में लाऊंगा, रेंज में लाने का फायदा ये है, रेंज में अक्सर क्या होता है स्टैंडर्ड स्केलर 0 एंड 1 के रेंज में लाता है वैल्यूज को, जिसपे आपका एल्गोरिदम अच्छे तरीके से ट्रेन होगा और प्रेडिक्शन भी इसका अच्छा होगा, तो यही पूरा फंडा है इसका। सो अब अगर मैं इसको रन इन फर्स्ट लेट मी शो यू कि मैं टेस्ट के लिए भी यही सेम करूंगा, तो स्केलर इस बार चूंकि मैं फिट ऑलरेडी कर चुका हूं तो इस बार मैं जस्ट ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा और इसके अंदर मैं पास करूंगा एक्स टेस्ट एंड रन। अब देखना एक्स ट्रेंड पहली बार हमने जब देखा तो ये वाला था दिस वैल्यूज, अब सबसे पहले इन वैल्यूज पे फोकस दो, जस्ट थिंक, ओके जस्ट थिंक। अब ये देखो नॉर्मलाइज करने के बाद अगर मैं इसको रन करो यूड सी 0 एंड 1 के रेंज में आ गए आपके वैल्यू। अब इसको समझना बिगनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड जब आप 1, 2, 3, 4, 5 मशीन लर्निंग के एंड टू एंड प्रोजेक्ट करते हो जैसे कि मैंने अपने प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिखाए, तो फिर इन चीजों की समझ आपको आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं है तो आप 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना, सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब एक काम और करता हूं, अगर मैं दोबारा दिखाऊं जो ऊपर मैंने कुछ कोड किया था दिस लूप डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अब दिखाओ तो देखते हैं कि कुछ हद तक नॉर्मलाइज हुआ या नहीं। मैं यहां पे चलाऊंगा इसको
लेकिन एक मसला है इसमें, चूंकि अब हम है एक्स ट्रेन में, एक्स ट्रेन अब नॉर्मलाइज हो चुका है, तो ये एक नंपाई एरे बन गया और इसमें कॉलम्स है ही नहीं, सो इसलिए मैं लूप नहीं चला सकता, बट ये एक रेंज में आ गई एंड डेफिनेटली कुछ हद तक तो इसने इसको नॉर्मलाइज किया होगा। नाउ लेट्स ट्रेन आवर मॉडल। तो चूंकि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है और रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए आपको मशीन लर्निंग के रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज करने होंगे, सो इस डेटा सेट पे मैंने जो यूज किए हैं उसमें जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट है वो है लॉजिस्ट लिनियर रिग्रेशन का। सो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम एस के लर्न डॉट लिनियर मॉडल इंपोर्ट लिनियर रिग्रेशन, और इस लिनियर रिग्रेशन का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर हम कुछ तो यहाँ पे इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर फिट करूंगा, यानी मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन करने वाला हूँ। जो मेरा 80% डेटा है जो कि है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, अब मैं इसे प्रेडिक्ट करूंगा। एलर डॉट प्रेडिक्ट मारो, जो मैंने बचा के रखा है 20% डेटा एक्स टेस्ट, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं ताकि मैं इसको आगे यूज कर सकूं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं वाई प्रेड। अब अगर मैं एक सेल ऐड करके दिखाऊं ये वाई प्रेड, देखना जो भी नम पाई एरेज में रिजल्ट होगा दिस इज नथिंग, ये आपकी इस लिनियर रिग्रेशन ने प्रेडिक्ट करके दिया है स्टॉक प्राइस, फ्यूचर स्टॉक प्राइस। ओके, दिस आर नथिंग बट द फ्यूचर स्टॉक प्राइस ऑफ नेटफ्लिक्स कंपनी दैट हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, बढ़िया। लेकिन हमें इसकी एक्यूरेसी लाइक इसकी इवेल्युएशन करनी होगी, सो दिस इज कॉल्ड मॉडल इवेल्युएशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो मैं एक सेल यहाँ पे ऐड करता हूँ, बल्कि दो ऐड करता हूँ और यहाँ पे कमेंट मारता हूँ इवेल्युएशन। अब मैं इसको एक मार्कडाउन में कन्वर्ट करूंगा, सो व्हाट आई कैन डू एस्केप बटन प्रेस एंड एम, तो ये आपका बन जाएगा मार्कडाउन। अब शिफ्ट एंटर। ओके, सो इवेल्युएशन जब, अच्छा इवेल्युएशन में दो होते हैं, क्योंकि एक होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड एक होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और रिग्रेशन प्रॉब्लम में जब रिग्रेशन एल्गोरिदम की इवेल्युएशन आप करते हो तो आप नॉर्मली यूज करते हो, लेट मी शो यू। सो फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट आर टू स्कोर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर, आप इन दो टेक्निक से, इन दो इवेल्युएशन टेक्निक से कोई भी रिग्रेशन एल्गोरिदम की इवेल्युएशन करते हो। लेकिन अगर ये कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता तो आप यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर आई थिंक ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये मैं अपने जो क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है इसी प्लेलिस्ट में उसमें डिटेल के साथ बता चुका हूं और बार बार बताता हूं, एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर वीडियोस, ताकि ये रट जाए, क्योंकि कुछ चीज आपको रटने भी पड़ते हैं, और ये चीजें जो है ना इनको आप रट लो, मैं कहता हूं बिल्कुल रट लो। कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेक्निक है वो है आर टू स्कोर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो मैं बताता हूं आप क्या करोगे। जो आपका सबसे पहले तो मैं आर टू स्कोर के अंदर दिखाऊंगा अपना जो मैंने बचा के रखा है वाई टेस्ट। अब ये वो डेटा है, वो आउटपुट वेरिएबल का डेटा है जो मशीन, जो लिनियर रिग्रेशन ने बिल्कुल देखा ही नहीं है, हालांकि लिनियर रिग्रेशन ट्रेन हो चुका है। और लिनियर रिग्रेशन जो जिस डेटा जो लिनियर रिग्रेशन ने प्रेडिक्ट किया है वो है वाई प्रेड। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और जो मेरा डेटा बचा हुआ है उन दोनों का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मॉडल अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर भी रहा है, अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ भी है या नहीं। सो ग्रेट, जब भी 1.0 है या 98 है या 92 है, 92 पॉइंट समथिंग सॉरी 0.92 या 0.82 या 0.95, तो इसका मतलब है आपका एल्गोरिथम बड़े अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट मार रहा है। और यहाँ पे तो इसने कमाल कर दिया, इसने तो सेंचुरी मार ही ली, ठीक है। अब यही चीज मैं दिखाऊंगा मीन स्क्वायर्ड एरर में। हमेशा एक बात याद रखना कि जिस एल्गोरिथम को आप इवेल्युएशन कर रहे हो आर टू स्कोर में, अगर जो वैल्यू आ रहा है वो सबसे हाईएस्ट हो, दैट इज द बेस्ट एल्गोरिदम,
बट इन केस ऑफ मीन उसका अगर वैल्यू सबसे कम हो तो दैट इज द बेस्ट एल्गोरिदम, और मैं यही दो चीजें इसी में भी पास करूंगा। अब अगर इसका वैल्यू सबसे कम है तो इसका मतलब है एज यू कैन सी 3.65, तो दिस इज बेस्ट एल्गोरिदम। मतलब बाजुकात क्या होता है, जैसे कि मैं अपने कई प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कर चुका हूं, हम एक से ज्यादा एल्गोरिदम ट्रेन करते हैं, लाइक थ्री रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, नेव बेस के कुछ अगर रिग्रेसर होते हैं, जैसे कि और भी है इंसेंबल टेक्निक में अगर देखा जाए, ट्री में देखा जाए डिसीजन ट्री रिग्रेसर, तो एक साथ अगर आप सबको चेक करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक लूप के अंदर ये करते हो, और मैं कई प्रोजेक्ट में ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो वहां पे जिस बी एल्गोरिदम का आर टू स्कोर सबसे हाईएस्ट है और जिस बी एल्गोरिदम का मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम है, सेलेक्टेड, दिस इज द बेस्ट एल्गोरिदम। ओके, नाउ वेबसाइट बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाओ। सो मैं एक फंक्शन बनाता हूं, और ज्यादा घबराना नहीं है अगर कोई बिगिनर है यहाँ पे, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड में करने वाला नहीं हो यहाँ पे, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्रेड। अब इस फंक्शन के अंदर अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा नेटफ्लिक्स डेटा है उससे तो मैं इनपुट उस पर मैं कॉलम लगाऊंगा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। तो मैं इन तमाम कॉलम्स को यहां से कॉपी करूंगा और इसी के साथ रिप्लेस मारूंगा। अब एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, मैं यूजर के लिए, यूजर की आसानी के लिए कुछ वेरिएबल बना रहा हूं, क्योंकि वेबसाइट पर जब यूजर आता है तो वो इनपुट डालता है इनपुट फील्ड्स में, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो लेट मी डू दैट। सो ये रहे मेरे वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ, एंड वी आर गोइंग टू इमेजिन कि ये जो भी वैल्यू मैं असाइन करने वाला हूँ ये यूजर ने इनपुट किए हैं, ठीक है। सो लेट्स 200 पॉइंट, दिस इज द ओपनिंग स्टॉक प्राइस, एंड जो उस दिन सबसे हाईएस्ट था वो लेट्स 250 लाइक दिस। तो मैं जल्दी जल्दी से ये डालता हूँ, ठीक है। तो या मैंने क्या किया, ओपनिंग को दिया वैल्यू स्टॉक प्राइस, दिस इज हाईएस्ट प्राइस एंड दिस इज लोवेस्ट प्राइस, दिस इज एडजस्टेड प्राइस, दिस इज द वॉल्यूम, और ये कौन से साल हुआ था, 2020 में। लेट्स से आप यहाँ पे फ्यूचर वाला कोई साल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंथ ये था, डे ये था। अब ये इनपुट फीचर देने के बाद हमारा मॉडल इस काबिल होगा जो बताएगा कि नेटफ्लिक्स का फ्यूचर में जो स्टॉक प्राइस होगा वो इतना होगा। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करूंगा और ये सारे के सारे आर्गुमेंट पास करूंगा। तो फंक्शन कॉल करते वक्त मैं इसको एक रिजल्ट में स्टोर करूंगा, और फंक्शन का नाम है प्रेड, और इसको मैं पास करूंगा ओपन। आ जा भाई, हाय और लो, एंड देन एडजस्टेड क्लोज, एंड देन वॉल्यूम, लेट मी या वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद में फंक्शन को बेचने वाला हूं ईयर एंड मंथ एंड डे। सो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे जो भी यूजर ने इनपुट किया है वो सब के सब मैंने फंक्शन को बेच दिया। सो आई विल सिंपली कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी, एंड अब चूंकि फंक्शन भी तो कुछ लेगा तो फंक्शन के अंदर मैं इसी ही सेम चीज को बेचूंगा। आप इनको चेंज कर सकते हो, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उस वक्त जो भी चीजें आप फंक्शन को बेच रहे होते हो दिस इज कॉल आर्गुमेंट, और जो फंक्शन गेट करता है और वहां पे गेट करने के लिए जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। नाउ अब ये जो भी पैरामीटर्स है इनको सबसे पहले मैं एक numpy एरे में कन्वर्ट करूंगा, तो np.array, उसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर, एक्चुअली मैं इनको टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने पास किया। अब इसको मैं एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ फीचर्स, ठीक है। ये हो गया आपका फीचर्स। नाउ हमारा एल्गोरिदम एक ऐसा डेटा सेट पे ट्रेन है जो नॉर्मलाइज है, ठीक है, जो 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, लेकिन यूजर के इनपुट को देखो ये तो बिल्कुल बहुत बड़े वैल्यूज है यहाँ पे, सी एज यू कैन सी। ओके, सो इसको भी मुझे नॉर्मलाइज करना होगा, तो सिंपल सा फंडा है, हम क्या करेंगे इसी ही फीचर्स को अपडेट करेंगे, और मैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया था scalar.fit, ट्रांसफॉर्म मारूंगा और उसके अंदर इस इनपुट फीचर्स को पास करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने यूजर के इनपुट को नॉर्मलाइज किया, अब मैं इस पे प्रेडिक्शन मारूंगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं और मेरे एल्गोरिदम का क्या नाम था, क्या नाम मैंने रखा था, लेट मी सी,
LR, ओके LR, मैं यहाँ पे LR का इस्तेमाल करूंगा. सो LR डॉट प्रेडिक्ट किस पे, दिस फीचर्स पे. ये हमने जस्ट कुछ नहीं किया है, कुछ इनपुट आ गया यहाँ पे, उसको नंबर एरे में कन्वर्ट किया, इस वेरिएबल में स्टोर करके उसको ट्रांसफॉर्म किया, मतलब एक्चुअली हमने इसको नॉर्मलाइज किया. अब हम अपने जो हमारा ट्रेंड एल्गोरिदम है इस पे प्रेडिक्ट मारेंगे जो यूजर ने बेचा है. प्रेडिक्ट मारने के बाद मुझे इसको भी रिशेप करना है. रिशेप मैंने क्यों करना है, क्योंकि मैं एक सिंगल रो में इंटरेस्टेड हूं और ये मैं बहुत बार अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं. और मुझे कौन सा आउट यूजर को मैंने अपने जो 7 इनपुट्स थे वो तोड़े दिखाने हैं. मैंने यूजर को जो क्लोज कॉलम है, आउटपुट कॉलम है, उसकी वैल्यू दिखानी है, क्योंकि वही फ्यूचर प्रेडिक्शन है. सो यही काम मैं कर रहा हूं यहाँ पे. अब मैं रिटर्न करूंगा दिस प्रेडिक्शन और इसका इंडेक्स 0 से. तो मैं इसको रन करता हूं, रन करने के बाद इसको भी रन करता हूं और अब मैं प्रिंट करता हूं रिजल्ट को. ये आ गया आपका, ठीक है, 418 पॉइंट. दिस इज द फ्यूचर स्टॉक प्राइस ऑफ नेटफ्लिक्स कंपनी. अब हम हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट में जाते हैं. तो वेबसाइट में जाते जाते हम यहाँ से इस मॉडल को पिकल करेंगे. पिकल क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड मॉडल है. तो जब आप इसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हो या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हो या किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हो, तो आपको इसको यहाँ से पिकल करना होगा, एक ऐसे फाइल में कन्वर्ट करना होगा जिसको आप आगे यूज कर सके. सो दिस इज पिकल डॉट डम्प. अब ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार. सबसे पहले आपको पास करना है अपने एल्गोरिदम का नाम जो ट्रेंड मॉडल है. देन यू हैव टू पास ओपन, एंड ओपन के अंदर आप अपने एल्गोरिदम को नाम दो और उसकी एक्सटेंशन होगी पीकेएल. और किस मोड में, राइट बाइनरी मोड में, एंड रन. अब मैंने अपने इस मॉडल को इस नाम से सेव किया. तो अब अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊं, ये रहा आपका मॉडल डॉट पीकेएल. अब हम जाते हैं वेबसाइट की तरफ. सो मैंने पाइचार्म ओपन किया है. आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, लाइक वीएस कोड. अब इस पाइचार्म में सबसे पहले आप अपना कोई फोल्डर बनाएं और उसमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए, ठीक है. सो एक काम करें कि आप इस फोल्डर पे आए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाए एंड पाइथन फाइल बनाए इस नाम से, app.py. एक दूसरा बनाए, इसी ही फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू पे जाए डायरेक्टरी में और इसको नाम दे टेम्पलेट्स. याद रखना ये स्पेलिंग बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, टेम्पलेट्स, कोई मिस्टेक मत करो, अदरवाइज बहुत सारे एरर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग फ्लास्क. उसके बाद अपने काम करना है, इसी टेम्पलेट्स के पर क्लिक करना है, न्यू में जाना है एंड एचटीएमएल फाइल बनानी है, ठीक है. अगर मैं दिखाऊं तो ये हमने एचटीएमएल फाइल भी यहाँ पे बनाई है. ये तीन चीजें करने के बाद सबसे पहले आए app.py में. app.py के अंदर आने के बाद आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे numpy. अब यहाँ पे अपने numpy को इंस्टॉल करना होगा, pip install numpy. ओके, इम्पोर्ट numpy एज np एंड देन इम्पोर्ट pandas एज pd एंड इम्पोर्ट पिकल. एंड उसके बाद हमने और कौन से लाइब्रेरी इंपोर्ट करने थे, तो हमें फ्लास्क चाहिए. सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने HTML के फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारनी है. एंड रेंडर टेम्पलेट, और ये फ्लास्क का टेम्पलेट है जो HTML के साथ आपको रिडायरेक्ट करता है, ठीक है. सो एक्चुअली आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करनी होगी. अब आप इसको किस तरह इंस्टॉल करोगे, आप अपने टर्मिनल में जाए. टर्मिनल में जाने के बाद आपको लिखना है दिस कमांड, ठीक है, pip install. अगर आपने फ्लास्क को इंस्टॉल करना है देन फ्लास्क numpy के केस में numpy. सो यही आपने यूज करनी है. अब सबसे पहले हम मॉडल को यहाँ पे लो. सो हमने नाम दिया था मॉडल डॉट pkl. अब चूंकि मैं इसको रीड कर रहा हूं तो मैं इस बार रीड बाइनरी मोड दूंगा, ना कि राइट बाइनरी मोड. ओके, सो मैं हल्का सा इसको जूम इन करता हूँ. या अब हम फ्लास्क ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है ऐप विल बी इक्वल टू, जो कैपिटल एफ वाला फ्लास्क हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर आपको अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर देनी है. ना वी आर गोइंग टू क्रिएट पाथ. सो ऐप डॉट रूट, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जो इंडेक्स डॉट html का ही काम करेगा, और इसके अंदर जस्ट हम रिटर्न करते हैं रेंडर टेम्पलेट index.html. अब ये index.html हमने यहाँ पे बनाया है टेम्पलेट के अंदर.
ठीक है, HTML। ओके, अब एक और फंक्शन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम पाथ देते हैं एप डॉट रूट। अब इसके अंदर मैं देता हूं प्रेडिक्ट, जो कि हम HTML फंक्शन सॉरी फॉर्म जब बनाएंगे तो यही पाथ होगा। और मेथड हम रखते हैं, अब यहाँ पे इनको मेथड्स रखना, फ्लास्क में आपको इस मेथड लगानी होगी पोस्ट। ठीक है, अब इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसको भी मैं प्रेडिक्ट नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे पाइथन का मेन बनाते हैं, तो उसको मैं इफ अंडर अंडर स्कोर नेम अंडर अंडर स्कोर विल बी इक्वल टू अंडर अंडर स्कोर मैन। ओके, और इसके अंदर ऐप को हम रन करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बनाया, और ऐप डॉट रन लगाते हैं एंड डिबग को ट्रू रखते हैं। ये हम इसलिए ट्रू रखते हैं कि जब हम इस वेबसाइट यानी इस फ्लास्क ऐप को रन करते हैं तो रिलोड करने पे ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाए। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद हम जाते हैं HTML index.html में। अब इसमें मैं ज्यादातर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं जाता हूं अपने क्रोम ब्राउजर में और यहां पे बूटस्ट्रैप को ओपन करता हूं। सबसे पहले मुझे स्टार्टर टेम्पलेट चाहिए, जो बेसिक HTML इंडेक्स है वो मुझे यहां पे प्रोवाइड करके देगा। और साथ में मजे की बात ये है कि ये जो CSS इन जावास्क्रिप्ट वो भी प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत HTML का कोड करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर के नाम से डीव लूंगा, जिसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर। अब ये बूटस्ट्रैप का क्लास है और इसके अंदर मैं एक चुवन लेता हूँ, जिसको मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, और इसके अंदर लिखता हूँ दिस शुड बी सेंटर, इसके अंदर लिखता हूँ कि ये एक नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम है। ठीक है, इसी को कॉपी करके टाइटल में भी देते हैं। ठीक है, लोग सर्च भी करते हैं, क्या पता हमारा वेबसाइट चल जाए। ओके, अब इस कंटेनर एक काम आप ये भी कर सकते हो कि आप कस्टम सॉरी इनलाइन सीएसएस ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बॉडी का बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको जस्ट दिखा दो तो यूड सी कि हमारा ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। सो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रखता हूँ वाइट। अब अगर मैं इसको रीलोड, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा क्योंकि हमने डिबग ट्रू रखा था। सो नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। अभी आप एक फॉर्म लेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो मैं इसी कंटेनर के अंदर, याद रखना मैं इसी कंटेनर के अंदर हो एक फॉर्म लूंगा और फॉर्म का एक्शन रखते हैं जो हमने वहां पे पा दिया था प्रेडिक्ट। मेथड हम रखते हैं पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर मैं एक अगेन बूटस्ट्रैप का क्लास लूंगा रो, इसको मैं समझाऊंगा कि मैंने रो क्यों लिया यहाँ पे। और इसके अंदर एक और डीव लेता हूं और इसको मैं फॉर्म, अब आई होप कि आप लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में आइडिया है, सो फॉर्म ग्रुप में इसको कहता हूं। ठीक है, और इसके अंदर एक लेबल लूंगा और इस लेबल में मैं एक चीज में एक और काम करता हूँ, मेरे जो इनपुट वेरिएबल है जो मैंने उधर बनाए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, क्योंकि उन्हीं वेरिएबल को हम यूज करने वाले हैं। सो आई थिंक क्लोज के अलावा बाकी मेरे इनपुट वेरिएबल, लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एंड पे जाता हूँ, ओपन हाई लो एडजस्ट कर, या दिस आर माय इनपुट कंट्रोल सी, और मैं इनको यहाँ पे अपने आसानी के लिए पेस्ट करता हूँ ताकि मैं इनको यूज कर सकूँ। ओके, मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो पहला लेबल हम यूजर को क्या दिखाएंगे, जाहिर सी बातें ओपन, ओपन यानी जो स्टार्टअप था नेटफ्लिक्स का। सो इसके बाद मैं एक इनपुट लूंगा जहाँ पे यूजर से मैं इसको टाइप में नंबर रखते हैं, इसको हम बूटस्ट्रैप का एक क्लास देते हैं जो कि होगा फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म ग्रुप हो गया फॉर्म कंट्रोल। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते, आईडी रखते हैं ओपन,
और नेम भी हम ओपन रखते हैं क्योंकि बैकेंड यानी फ्लास्क में इसको हमने गेट भी करना है, वहां पे हमने इसको एक्सेस भी करना है। अब स्टेप में रखूंगा, स्टेप चूंकि ये आपका इंटीजर फ्लोट में आ सकता है, इसमें स्टेप 0.01 ही रखता हूँ और वैल्यू में यहाँ पे 0 रखता हूँ। अब देखना अगर मैं जाऊँ तो ये आ गया आपका, ठीक है। दिस सी मैंने स्टेप 0.01 रखा था और ये लेबल है, ये आपका इनपुट फील्ड है। अब इसी तरह हम और भी चाहे कितने चाहे, हमें चाहिए हाई के लिए, लो के लिए, एडजस्ट, क्लोज, वॉल्यूम, सब कुछ के लिए। सो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस वन को कॉपी करूंगा, ठीक है, और इसी के अंदर इसको पेस्ट करूंगा। अब मुझे चाहिए हाई के लिए, तो मैं जस्ट हाई को ओपन के साथ रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल। और मुझे कुछ खास आईडी को भी मैं रिप्लेस करूंगा, नेम को भी मैं रिप्लेस करूंगा। सो अगर मैं दिखाऊं, ये आ गया आपका सेकंड वन, एंड मैंने रो यूज किया है, फिर भी ये रो में नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। सो एनीवेज यही ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे। ओके, सो अब मैं इसको एक बार और कॉपी करके पेस्ट करता हूँ फॉर लो। तो मैं लो को उठाऊंगा और यहाँ पे यूजर से मैं पहले कहूंगा कि आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लो, लो में जस्ट हाई को रिप्लेस कर रहा हूँ लो के साथ, ठीक है। एंड दिस हाई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, एंड इट वाज नेम, ठीक है, दिस शुड बी नेम। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं एक और कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड वी। उसके बाद हमारे पास से एडजस्ट क्लोज, ये भी यूजर इनपुट करेगा, जो कि नेटफ्लिक्स का ही एक फीचर है स्टॉक प्राइस का, और यहाँ पे आपको इसके अंदर अंडरस्कोर डालना होगा, ठीक है। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए मुझे इसको रिप्लेस करना होगा, कंट्रोल वी। तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो इन बेस्ट, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो। मैं एक बार और इसको करता हूँ, उसके बाद है वॉल्यूम एंड ईयर। सो मैं दिस वन में डालता हूँ वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को कॉपी करके बाकी जगहों पे भी रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट था हमारे पास क्या था, ईयर, हाँ। सो ईयर भी हम रिप्लेस करते हैं, ईयर एंड ईयर, और ईयर रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, हमें और भी चाहिए आई थिंक, लेट मी चेक हमारे पास और क्या है, मंथ एंड डे। सो 1, 2, दिस शुड बी मंथ, लेट मी कॉपी, लेट मी रिप्लेस रिप्लेस एंड रिप्लेस। उसके बाद फाइनली वी हैव डे। तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, जो यूजर इनपुट देगा उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया HTML में बूटस्ट्रैप का सहारा लेते हुए। अब इन्हीं कॉलम्स को मैं यहाँ से कट मारूंगा, और कट मारने के बाद पहले मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट को। अच्छा, इस डिव से, ये जो रो वाला डिव था, इससे बाहर आके बिल्कुल फॉर्म से ऊपर एक बटन भी ऐड करे। तो बटन, और बटन में टाइप रखता हूँ सबमिट। हाँ, इसमें भी एक बूटस्ट्रैप का क्लास डालते हैं, btn btn प्राइमरी एंड btn lg। btn lg ये देता है कि अगर आप बड़ा बटन चाहते हो, और बटन के ऊपर जो दिखाना चाहता हो वो है प्रेडिक्शन, और मैं इसमें कस्टम css ऐड करूंगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं तो बटन आपका बिल्कुल इधर ही होगा। एज यू कैन सी बटन यहाँ पे है चिपका हुआ, मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ। तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा इन लाइन, नॉट कस्टम CSS, दिस शुड बी इन लाइन CSS। सो मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ 35%, ओके, एंड मार्जिन टॉप करता हूँ थोड़ा सा 20 पिक्सल। एक्चुअली मैंने जस्ट यहाँ से खिसकाया, ऊपर से खिसकाया, और ये देखो अब हमारा बटन बहुत ही आला है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, दिस इज आर, ओके। सो वी हैव ओपन हाई लो एडजस्ट वॉल्यूम ईयर मंथ डे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही थे आई थिंक, क्योंकि एक क्लोज आउटपुट वेरिएबल था। या
जब कोई इसमें स्टॉक्स नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस के जो ओपनिंग मतलब स्टार्टअप था और उसका हाईएस्ट था और लोवेस्ट प्राइस था एंड एडजस्टेड प्राइस था, स्टॉक प्राइस की बात हो रही है, वॉल्यूम उसका किस साल में कौन सा मंथ था कौन सी डे थी, बटन पे प्रेडिक्ट करेगा तो वो उसे मैसेज देगा कि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन स्टॉक प्राइस इतनी होगी। सो हमने इस फॉर्म के वैल्यूज को बैकएंड में गेट करने होंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं बैकएंड में, जो हमने एक फंक्शन बनाया था दिस वन, मैंने जो यहाँ से कॉपी मारा था उसको यहाँ पे पेस्ट मार रहा हूँ, अपने काम को एक्चुअली मैं आसान करने वाला हूँ और मैंने कुछ यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, अब देखते जा मैं करता हूँ क्या, एक्चुअली यही मेरे और ये चीज मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, सो या अब मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर ऐड कर रहा हूँ। सो ऑल्ट दबाते हुए जहां जहां पे मुझे मल्टी कर्सर चाहिए वहां वहां पे मैं राइट क्लिक मारता रहूंगा। उसके बाद इक्वल, अब अगर याद हो तो वीडियो जब हमने फ्लास्क इंपोर्ट किया था तो वहां पे हमने रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट किया था, फ्लास्क वाला रिक्वेस्ट। ये एक्चुअली हम फॉर्म को रिक्वेस्ट मारने के लिए यूज करते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर आपने वो नाम देने हैं जो हमने वहां पे हर इनपुट फील्ड के अंदर दिया था। तो ओपन के अंदर हमने आई थिंक यही सेम दिया था, सो मैं इसी को कॉपी करके, इसलिए मैंने एक ही जगह पे यूज करा था कि बार बार मुझे देखना ना पड़े। सो मैंने सेम नेम यूज किए हैं और यहाँ पे दिस शुड बी जस्ट क्लोज मैंने वो दिया था, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो आप भी सेम रखना। एंड वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम, ईयर विल बी, अब हमारा कोड बिल्कुल सेम होगा जो हमने नोटबुक में जो प्रेडिक्शन सिस्टम बनाया था बिल्कुल उसी तरह होगा। ठीक है, जस्ट हमने यूजर के इनपुट फॉर्म से गेट किए, अब इनको मैं एक numpy एरे में कन्वर्ट करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फीचर्स के नाम से np.array, मार के मैं इसको list में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले आपका होगा ओपन, उसके बाद होगा आपका हाई, उसके बाद होगा आपका लो, उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे एडजस्ट एडजस्ट क्लोज एंड देन वी आर गोइंग टू पुट हियर वॉल्यूम एंड आफ्टर दैट वी हैव ईयर एंड देन वी हैव मंथ एंड देन वी हैव फाइनली डे। अब इसको मैं, चूंकि ये यूजर हमने जो मॉडल ट्रेन किया है वो एक उन वैल्यूज को हमने स्टैंडर्डाइज किया था, नॉर्मलाइज किया था, तो हमने यूजर के इनपुट को भी नॉर्मलाइज करना होगा। तो उसके लिए मैं तो सबसे पहले फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, अब इस लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना, ठीक है, वरना आपका मॉडल इसी में ही ट्रेन है। सो इम्पोर्ट फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट वॉट दिस शुड बी फ्रॉम, ये एरर इसलिए आ रहा था, हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया था। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्केलर विल बी इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड स्केलर। तो अब इसको मैं नीचे जाके अपने फंक्शन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे सो फीचर को मैं दोबारा बनाऊंगा और स्केलर करूंगा यूजर के इनपुट को, फिट ट्रांसफॉर्म स्केल करूंगा नॉट स्केलर जो कि फीचर्स ही है। सो एक्चुअली जो हमने इनपुट लिया था numpy array में कन्वर्ट किया, इस वेरिएबल में स्टोर किया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया जो पिछली बार हमने किया था, और अब इसमें अब हम प्रेडिक्शन मारेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्शन के नाम से, ओके प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू दिस थिंग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जस्ट हमने जो मॉडल इंपोर्ट किया है उसके अंदर होता है आपका प्रेडिक्ट किसके ऊपर, फीचर्स के ऊपर जो यूजर के इनपुट है, और इसको हमने रिशेप भी करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक सिंगल रो चाहिए और उसका लास्ट वाला इंस्टेंस आउटपुट वाला हम, ओके। अब मैं ये भेजूंगा अपने HTML फॉर्म में, तो मैं रिटर्न मारूंगा, रेंडर टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले index.html लिखूंगा और यहाँ पे अपनी तरफ से एक वेरिएबल पैरामीटर सॉरी आर्गुमेंट बना रहा हूँ और इसको पास कर रहा हूँ प्रेडिक्शन का जीरो। सो एक्चुअली अब सारा का सारा आउटपुट इसी के पास है, अब इसी चीज को मैं अपने index.html में एक्सेस करूंगा। सो फॉर्म के बाहर इस डीव के अंदर या इस डीव से बाहर, चलो डीव के अंदर करते हैं, मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूं और इस पैराग्राफ में स्टाइल इनलाइन सीएसएस सेट कर रहा हूं और इसमें मैं बॉर्डर बॉर्डर हम किस तरह ऐड करते थे 23 pixel सॉलिड 3 pixel सॉलिड एंड कलर में रखता हूँ रेड और
दिस शुड बी वाइट। अब इसके अंदर मैं जो फ्लास्क का सिंटैक्स है वो यूज करूंगा और इसके अंदर आउटपुट लिखूंगा। अब ये आउटपुट कहां से आ रहा है, ये आउटपुट आपका आ रहा है, सॉरी नॉट दिस वन, ये आउटपुट आपका आ रहा है कहां से आ रहा है, यहां से, दिस आउटपुट। ओके, दिस आउटपुट से आपका ये आउटपुट बिल्कुल यहां पे आ रहा है। ओके, बढ़िया, हो गया हमारा काम। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं अगर कोई गड़बड़ हमने की हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मैंने रन किया, अब ये यहां पे आपको यूआरएल मिल जाएगा, आप जस्ट इस पे क्लिक करना, ये यूआरएल पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आई होप कि कोई एरर ना हो, या कोई एरर नहीं है। अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे डाल रहा हूँ, रेंडमली मैं डाल रहा हूँ, स्टार्टअप ये था, हाईस्ट 250 डालते हैं, लोवेस्ट हम लेट्स से 240.0 डालते हैं, एडजस्ट भी मैं कुछ डाल रहा हूँ, वॉल्यूम भी लेट्स से दिस, लेट्स से ईयर 2022 मंथ 10th, उप्स गड़बड़ मैंने की, और यहाँ पे मुझे डे भी डालनी होगी, सो 3। अब जैसे देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यू वुड सी के नीचे आउटपुट आएगा, दिस आउटपुट, आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 418। ओके, सो दिस इज योर आउटपुट। अब आप इस पर और भी ट्राई कर सकते हो। सो ये था आज का मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट जिसमें हमने कंप्लीट नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन देखा। अब लेट्स से मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 300 में कुछ ये एड करते हैं, दिस शुड बी 350 जो हाईएस्ट वैल्यू हम ज़्यादा डालते हैं, और इसको हम 310 करते हैं, 254, एंड वॉल्यूम को मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ इस बार 200, लेट्स से दिस, ईयर को हम रखते हैं लेट्स से 15, 3, 3। ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन, एंड ये भी सेम आ रहा है। तो या आप और भी ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, आपको डिफरेंट भी रिजल्ट ये देगा जरूर, ठीक है, ये डिफरेंट रिजल्ट भी आपको देगा। सो यार दिस इज द प्रोजेक्ट, एंड इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप इस काबिल हो गए कि अगर आपको किसी तरह रिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम मिलता है तो आप उसको किस तरह डील आउट करते हो। सो आप मेरे इस चैनल के मशीन लर्निंग जो प्लेलिस्ट है उसको लाजमी एक्सेस करना, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट वीडियो।